Hi guys and welcome back. I hope you all are doing well. I am particularly very very excited about today's video because ये एक highly requested video रहा है for I would say 6 months now. जब भी मैं अपने YouTube video के comment section में पढ़ती थी comments, एक comment ज़रूर मुझे मिल जाती थी कि प्रेरणा please आप एक affordable लहंगा haul करो, आप क्रीवा का रिव्यू करो, इज़ इट अ ट्रस्टवर्दी वेबसाइट, किस टाइप का कलेक्शन मिलता है वहाँ पर, प्लीज़ उनका रिव्यू करो. सो इट्स द डे. आज मैं आपको बताऊँगी व्हाट आर माय थॉट्स ऑन देयर पीसेज, उनकी क्वालिटी कैसी है, इज़ इट अ लेजिट वेबसाइट, इज़ इट नॉट. सो अपना एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी. बिफोर वी गेट स्टार्टेड आई वॉन्ट टू शेयर अ कपल ऑफ थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस यू डोंट नो व्हाट क्रीवा इज़, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ. क्रीवा is an online shopping destination. आप basically कह दो it is like online चांदनी चौक, because यहाँ पर party wear, wedding wear, basically special occasion के कपड़े मिलते हैं, starting from gowns, saris, lehengas, blouses, what not. कैजुअल कलेक्शन भी मिलता है क्रीवा पे, बट इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर लहंगाज एंड सारीज, जो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे समझ आया है. एंड दिस इज़ अ बिजनेस दैट इज़ बेस्ड आउट ऑफ सूरत, गुजरात. ओके, नाउ अगेन बिफोर वी स्टार्ट, मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू शेयर कि वीडियो का लेआउट कैसा होगा, सो यू गाइज नो वॉट टू एक्सपेक्ट एट वॉट टाइम. सो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आई एम गोइंग टू शो ऑल दीज पीसेस टू यू कि मैंने क्या क्या खरीदा, कैसी फिटिंग आई, मुझ पर पहनकर कैसा लग रहा है और कैसे मैंने स्टाइल करा. फिर सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगी माई थाट्स ऑन दीज पीसेस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कितने टाइम में डिलीवरी हुई, स्टिच्ड आया, सेमी स्टिच्ड आया, उसकी क्या कहानी है, वो मैं सेकेंड हाफ में कवर करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ लहंगा, जिसकी जब मैंने एक छोटी सी स्निपेट शेयर करी ऑन इंस्टाग्राम, मुझे ढेरों कॉमेंट्स आए सेइंग दैट अ प्रेरणा यू लुक लाइक अ डिज्नी प्रिंसेस, यू लुक लाइक द इंडियन सिंड्रेला. आई डोंट नो, आई मीन द कॉमेंट सेक्शन वॉज बर्स्टिंग विद दीज कमेंट्स और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई बिकॉज एट 31, आई मीन थैंक यू. दिस इज द लहंगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इस लहंगे पर पूरा नेट का वर्क है, सीक्वेंस का है, और यहाँ पर टॉप पर उन्होंने थोड़ी सी नेट डिटेलिंग दी है टू मेक इट लाइक दिस पूफी. वो एक स्टेटमेंट स्लीव्स वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, उन्होंने वैसा कुछ यहाँ देने की कोशिश करी है. आई लव द कलर, इनफैक्ट कलर वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई आई चोज दिस लहंगा. और फिर ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी पूरा भरा हुआ है, इस पर सीक्वेंस वर्क है अगेन, और यहाँ पर दुपट्टे पर उन्होंने किरण भी लगाई है. क्योंकि मैंने किरण लेस खरीदी हुई है, आई कैन टेल यू कि ये लेस काफ़ी सॉफ्ट है और उन्होंने डिसेंट क्वालिटी की लेस लगाई है. दिस इज़ द स्कर्ट, यहाँ पर उन्होंने नेट से एक डिटेलिंग दी हुई है, इफ़ यू गाइज कैन सी. और नीचे बस फिर लाइनिंग है और उसके नीचे कैन है, सो इसको पूरा ऐसे खींच खींच के मेक श्योर यू ओपन, ताकि जो एक्चुअल घेरा है लहंगे का वो आ पाए. मूविंग ऑन टू द सेकेंड लहंगा, इट इज़ अ सीक्वेंस वर्क लहंगा और उसके साथ एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है. जैसे बेस पर सीक्वेंस वर्क है और ये जो आप फूल देख रहे हैं पिंक और ग्रीन कलर के, फॉर अ सेकेंड आई फॉरगॉट ये कौन सा कलर है, दिस इज एम्ब्रॉयड्री. ओपन इसकी भी नेक है, ज़्यादा डीप नहीं है बट अच्छी डीप है. और फिर ये लहंगा है, अगेन इट इज़ नेट और बेस पर फिर उन्होंने लाइनिंग के साथ कैन दी हुई है. नेट इज़ सॉफ्ट एंड नाइस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसकी ऐसा नहीं है कि नेट स्टिफ है और खड़ी खड़ी रहती है, इट्स नॉट लाइक दैट. ये जो इसका दुपट्टा है ये थोड़ा सा सिंपल है, जैसे उसका दुपट्टा तो भरा हुआ था, बट दिस इज़ प्रिटी सिंपल, प्लेन है और इस पर एक इन्होंने पतली सी पिंक कलर की किनारी लगाई है. नाउ टू स्टाइल दिस लहंगा, आई थॉट कि लेट्स टेक अ डिफरेंट अप्रोच और थोड़ा सा गर्लिश एंड लेड बैक लुक देते हैं इस लहंगे के साथ. सो आई पुट माई हेयर लाइक इन बीची वेव्स और मैंने नेकलेस के लिए कुछ ऑफ बीट सेलेक्ट करा. आई थॉट एक फ्यूजन लुक है जो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए एंड इट्स गिविंग अ डिफरेंट वाइब टू द लहंगा इन जनरल. सो या, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पीस जो मैंने अगेन कलर के लिए लिया, इट इज़ दिस गॉर्जियस पिंक कलर.
ये पिंक कलर ना बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने इसको अराउंड सनसेट पहना और मुझे बहुत मज़ेदार लगा। इस पर यही सेम सीक्वेंस वर्क है, नीचे लाइनिंग है, कैन कैन है, वही जो अब तक पहले दो लहंगों में थी बिल्कुल वैसा ही है। और साथ में इसका ये जो ब्लाउज है, ब्लाउज ना नेट मटेरियल का है और ब्लाउज इतना डीप नहीं है, जैसे इट सिट्स अराउंड दिस डेप्थ, ये जो अभी मेरे करंट ब्लाउज की है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा एक्चुअली काफ़ी प्यारा है। दुपट्टे पर उन्होंने वो स्कैलप्स वाली जो लेस है, विच इज़ अगेन ट्रेंडी दिस वेडिंग सीजन, वो लेस दी हुई है। साथ में ये लटकन है। इसके साथ मैंने अपनी ज्वेलरी काफ़ी सिंपल रखी, मेरे पास इंसिडेंटली एग्जैक्टली मैचिंग ज्वेलरी थी जो मैंने एक बार पिंक साड़ी के साथ पहनी थी, तो वो मांगती का मैंने लगाया। मूविंग ऑन टू द फोर्थ आउटफिट, एंड आई एम एक्चुअली वेयरिंग द फोर्थ आउटफिट। सो ये भी एक लहंगा है, बट दिस इज स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज इट्स अ थ्री पीस लहंगा, एज इन इसके साथ एक लॉन्ग जैकेट भी आई है। ये ब्लाउज है, इस पर ये जरी का वर्क है, बेल्ट भी उन्होंने डेकोरेट करी हुई है जो मुझे अच्छा एडिशन लगा। फिर यहाँ पर व्हाट दे हैव डन इज कि बेल्ट की सेटिंग ऐसे करी है कि वो प्लीट्स आए, सो आई रियली लाइक, ये जो सेटिंग आ रही है ना प्लीट्स की, मेक्स दिस लहंगा लुक वेरी वेरी नाइस एंड पॉलिश्ड। इनफैक्ट अभी तक जो मैंने आपको तीन लहंगे दिखाए हैं, आई हैव टू एडमिट कि ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ऑल्दो जब आए थे ना, मैंने सोचा नहीं था कि ये मुझे सबसे अच्छा लगेगा, बट जो इसका कंस्ट्रक्शन है, एज इन जिस तरीके से गारमेंट स्टिच्ड है, छोटी छोटी उन्होंने डिटेल्स दी हैं, इट मेक्स दिस लहंगा लुक प्रिटी हाई एंड एंड प्लश। एंड सिंस दिस इज़ लाइक अ फ्यूजन आउटफिट, आई वॉज प्रिटी क्लियर कि मैं अपनी ज्वेलरी भी थोड़ी सी फ्यूजन और वेस्टर्नाइज्ड रखूँगी। तो सबसे तो पहले मैंने ये माथापट्टी जो मैंने एक बार बनारसी साड़ी के साथ पहनी थी, सो आई वोर इट लाइक अ हेड बैंड, एक थोड़ा सा मैसी लूज जूड़ा बनाया, सम शॉर्ट पीसेज अराउंड द फेस टू फ्रेम इट। फिर मैंने ये नेकलेस पहना जो मैंने बनारसी साड़ी के साथ पहना था, ये वही कुंदन नेकलेस है। उसके साथ जो लॉन्ग इयररिंग्स थे ना, वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं यार, फिर आउटफिट की जो एक फ्यूजन वाइब है ना, वो किल हो जाएगी। तो बस मैंने सिंपल ये स्टड्स ऐसे ही अलमारी में पड़े थे, इसके साथ पहने और बढ़िया लग रहा है। सो साड़ी के लिए सबसे पहले मैं आपको ये ऑरेंज साड़ी दिखाना चाहती हूँ। इसका बेस ऑर्गेन्जा है और ऑर्गेन्जा पर यहाँ पर ऐसे ये सीक्वेंस और मिरर वर्क हो रखा है, ये पीकॉक बने हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और देन साड़ी के बीच बीच में यहाँ पर बूटियाँ हैं। साथ में इसका ब्लाउज भी काफ़ी डेकोरेटेड है, आई लाइक द कॉम्बिनेशन, ये जो ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। व्हाट दे हैव डन इज कि इन्होंने वो फ्लैग वाला ग्रीन नहीं लिया, एक डिफरेंट शेड ऑफ ग्रीन लिया है ताकि वो ट्राई कलर वाली फीलिंग ना आए। आई एक्चुअली वेंट टू द ताजमहल टू फिल्म दिस साड़ी इन द मॉर्निंग लाइट, वो सुबह जब हल्की सी ऑरेंज होती है वो सब होता है ना, तब मैंने ये साड़ी पहनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। देन कमिंग ऑन टू द लास्ट साड़ी, ये एक्चुअली उतनी हैवी नहीं है जितनी अब तक मैंने आपको लास्ट साड़ी दिखाई थी, लहंगे दिखाए थे, ये उतनी हैवी नहीं है। इट्स प्रिटी सिंपल, जॉर्जेट बेस फैब्रिक है ऑल ओवर, इस पर थ्रेड और सीक्वेंस का वर्क है और इसका जो पल्लू है वो डिफरेंट है, ये इस तरीके से ये पल्लू है इसका। मेरी साड़ी के साथ ना बड़ी अच्छी यादें जुड़ गई हैं क्योंकि मैं वैभव के साथ पहली बार ताजमहल गई और मैं ये साड़ी पहन कर गई। जो हमने फोटोग्राफर लिए वो अंकल इतने कमाल के थे, उन्होंने वैभव से दुनिया भर के पोज बनवा दिए जो हमारे शादी के फोटोग्राफर्स भी नहीं बनवा पाए थे, वो सारे पोज उन्होंने वैभव से बनवा दिए। इट वॉज सच एन अमेजिंग डे। Now let's come on to the second part of the video, जो actually सबसे ज़्यादा important है कि ये कपड़े हैं कैसे, प्रेरणा कितना time लगा कपड़ों को आने में and all that stuff. तो सबसे पहले shipping के बारे में बात करते हैं। जब मैंने order place करा था उससे I would say 40-45 days में कपड़े आए, मुझे expected था कि एक महीने में आ जाएंगे, but surprisingly थोड़ा सा ज़्यादा time लगा। So यहाँ पर मेरी एक recommendation होगी कि जब भी आप क्रीवा से order करें, हमेशा extra time हाथ में लेकर चलें, कम से कम एक 50 days का आप gap रखें ताकि just in case कोई भी shipping में delay हो, कुछ भी हो, ऐसा ना हो you start panicking around the occasion, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। Second, किस condition में आए, स्टिच्ड, सेमी स्टिच्ड, हाउ वॉज इट?
सो ओरिजिनली अगर आप करीबा से ऑर्डर प्लेस करोगे वो आपको सेमी स्टिच्ड कंडीशन में देते हैं जिसमें आपको ब्लाउज अपने हिसाब से स्टिच कराना होता है, बट मैंने स्टिच्ड वाले ऑप्शन के लिए ऑप्ट करा. सो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया कि आप यहाँ पर अपनी ये मेजरमेंट काफ़ी सारी मेजरमेंट्स उन्होंने मांगी. मैंने सारी मेजरमेंट्स अपनी सबमिट करी और फिर प्रॉपर आउटफिट रेडी होकर मेरे पास आया था. और फिटिंग कैसी आई, जैसे आप देख लो, ऑलमोस्ट परफेक्ट. ऑरेंज साड़ी जो है उसके साथ पेटीकोट की फैब्रिक आई थी और फिर मैंने स्टिच करवाया था उस फैब्रिक से अपना पेटीकोट. बाकी साड़ियों में इन जनरल किसी में फॉल नहीं लगी थी. पीकू भी कराने की ज़रूरत है, जो इन जनरल हम साड़ियों में फिनिशिंग कराते हैं वो साड़ियों में फिनिशिंग कराने की नीड थी. बाकी लहंगे बिल्कुल रेडी आए थे, इट्स लाइक बस आया और आप पहन सकते हो. देन द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि प्रेरणा इन लहंगों की क्वालिटी कैसी है, पहनकर कैसे लगते हैं. बिफोर आई टॉक अबाउट इट मैं थोड़ा सा आपके साथ अपनी आइडियोलॉजी शेयर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग ओकेजन वेयर. अगर आप इस चैनल को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं यू गाइज नो दैट आई स्ट्रेस अ लॉट ऑन बाइंग क्वालिटी पीसेज, बट वेन इट कम्स टू ओकेजन वेयर मेरी आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफर करती है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड द हार्ड वे. लहंगों में अनलेस यू हैव अ बजट दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट इफ़ यू आर ऑन अ बजट क्वालिटी पर स्पेंड करना मेक्स नो सेंस, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ भी महंगी हो जाती है. एंड लेट्स फेस इट गाइस कि एक बार के बाद, मैक्सिमम दो बार के बाद लहंगा साड़ी इस टाइप की, बेसिकली ये जो ऑरेंज साड़ी है कहाँ पहनी जाती है यार, वो फिर अलमारी में पड़ी रहती है. इट पिंचेज यू कि हमने इतने पैसे खर्च करे फिर पहना नहीं गया. सो मेरा थॉट प्रोसेस ये होता है कि ओकेजन वेयर में मैं कुछ ऐसा खरीदूँ जो फोटोग्राफ अच्छे से हो, समथिंग दैट लुक्स रियली ब्यूटिफुल इन फोटोग्राफ्स. लहंगों का घेरा डिसेंट हो, लहंगे इन पर्सन जब आपको कोई शादी पे मिले या पार्टी में मिले वो चीप ना लगे. इट शुड लुक डिसेंट क्वालिटी एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, सो दैट इट डजेंट पिंचेस माई पॉकेट, विच इज़ एग्जैक्टली हाउ आई वुड एक्सप्लेन Kriva.com. इनमें से एक्चुअली सारी चीज़ें 3,000-3,500 से ज़्यादा की नहीं है, विच इज़ अ रियली ग्रेट प्राइस अगर आप ओकेजन वेयर खरीद रहे हो. चीज़ अच्छी लग रही है देखने में, द नेट इज सॉफ्ट, यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी क्लीन है, इट डजेंट लुक चीप. सो दैट वेज इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड फॉर Kriva. हाँ, ये ब्लैक साड़ी जो है शायद इस तरीके की सिंपल साड़ी मैं ना खरीदूँ Kriva से, बिकॉज ये एक ऐसी साड़ी है दिस विल स्टे इन माई वॉर्ड्रोब, डेली वेयर की साड़ी है. आई माइट गो फॉर अ बेटर एंड फाइनर क्वालिटी जॉर्जेट, जैसे ऑर्गेन्जा में भी. इज दिस द फाइनेस्ट ऑर्गेन्जा? नो, आई हैव वोन अ फाइनर ऑर्गेन्जा, बट इसमें चल जाएगा क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ नॉट एन एयरलूम पीस. दिस इज द पीस एक बार पहना उसके बाद अगर डिस्कार्ड भी करना पड़ा वो चुभेगा नहीं. बट हाँ, इस तरीके की साड़ी जो ऑलमोस्ट डेली वेयर की है, थोड़ी सी सिंपल है, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि एक बेटर क्वालिटी खरीदूँ. But rest everything when it comes to those heavy blingy outfits, it is completely fine. कुछ चीज़ें हैं जो मैं definitely चाहती हूँ कि better हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ. ये वाला लहंगा था जो पिंक वाला लहंगा, इनकी ये जो बेल्ट है ना, ये थोड़ी सी ना, हाउ आई वुड से, ये लुक को ना पुल डाउन कर रही थी. ये बहुत ज़्यादा सिंपल बेल्ट है, इसीलिए फिर जब मैं पोज भी कर रही थी ना तो मैं क्या कर रही थी, अपनी चुन्नी को इस तरीके से स्प्रेड कर रही थी कि मेरा हाथ बिल्कुल बेल्ट के आगे आ जाए ताकि बेल्ट दिखाई ना दे. सो ऑफकोर्स देर आर वेज यू कैन वर्क अराउंड सच लिटिल निटी ग्रिटीज, बट अदरवाइज काफ़ी सही है. मैंने सारे आउटफिट्स Kriva के प्रीमियम रेंज से लिया है, और प्रीमियम रेंज से मैंने इसीलिए लिया क्योंकि जो मेरी रिसर्च थी और जितने मैंने और लोगों के वीडियोस देखे थे, मुझे ये समझ आया कि जो नॉन प्रीमियम रेंज है ना उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और कस्टमर केयर ऑल दैट. बट ये जो प्रीमियम रेंज है इसमें सबसे कम इश्यूज आते हैं, इसकी क्वालिटी सबसे बेटर होती है. रेस्ट ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड फॉर Kriva.com. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा या जो मैंने कपड़े पहने थे अच्छे लगे, डू गिव इट अ थम्स अप. और मुझे दो तीन चीज़ें बताना, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझ पर कौन सा आउटफिट सबसे अच्छा लगा, एंड सेकेंड ऑफ ऑल नेक्स्ट आप क्या चाहते हो मैं किसका रिव्यू करूँ, ये ज़रूर बताना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप अपना ध्यान रखना, टेक केयर, स्टे सेफ, और वेडिंग सीजन अभी फरवरी मार्च में फिर से आने वाला है. स्टे सेफ एंड टेक केयर. बाय, एंजॉय.